मेरे प्रिय मित्र, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम एस्तेर की किताब और उसके 4 अध्याय में हैं इस वक्त, और 4 अध्याय के हम 4 पद में आ गए हैं, और 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया, तब रानी शोक से भर गई। प्रियो, आपकी आवाज, जहाँ परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाना चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है, वहां तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। आप उस बात की चिंता ना करें, पर पहले आप परमेश्वर के सामने जाएं। आप अपने वस्त्र उतारें, टाट पहने, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आपको पश्चाताप करना होगा, आपको उपवास करना होगा, आपको विलाप करना होगा, आपको परमेश्वर की मदद मांगनी होगी। परमेश्वर उस वाणी को जो आपने परमेश्वर से कही है, जो बात आपने परमेश्वर से मदद मांगी है, उस मदद को किससे करवाना चाहता है, ये बात आपकी वहां तक पहुंच जाएगी। जैसे कि रानी की सहेलियों ने और खोजों ने जाकर रानी से को बता दिया है, और तब रानी शोक से भर गई है और मोर्दके के पास वस्त्र भेजकर उसने एक कहला भेजा है कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें नहीं लिया है। प्रियो, की वो टाट उतार कर वस्त्र कैसे पहन ले, क्योंकि उसने वस्त्र उतार कर टाट पहने हैं, जब तक कि उसके लोग और वो बचाया ना जाए, जब तक कि परमेश्वर उसकी सुन ना ले, जब तक कि रानी और राजा की तरफ से मदद ना हो जाए। प्रियो, जब तक कि उसके लोग बचाए ना जाए, अच्छे वस्त्र वो कैसे पहने, जबकि रानी के द्वारा, क्योंकि रानी उसकी चिंता करती है, आपका अपना ही आकर वहां पर आपको उस कपड़ों में नहीं बल्कि अच्छे वस्त्र में देखना चाहेगा, पर रानी के वस्त्र उसने नहीं लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, 5वां पद आपको ये बता रहा है, तब अस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मोर्दके के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है। रानी को अभी मालूम नहीं है, पर उसके वस्त्र के कारण से, विलाप के कारण से, दुख भरे शब्दों के कारण से उसने उसके पास वस्त्र भेजे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब उसने हताक को भेजा है, इसलिए भेजा कि जाकर सारी बातों को मालूम कर कि ये इस बात का कारण क्या है टाट पहनने का। तो प्रियो, जब आप इस तरीके के वस्त्रों में आते हैं या परमेश्वर के सामने अपने टूटे दिल से आते हैं, तो परमेश्वर अपने फरिश्तों के द्वारा आपके हाल को जानने की कोशिश करेगा। जिसके पास अधिकार है वो आपसे बात करेगा, और आप किसी वो किसके द्वारा बात करेगा ये शायद आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कि क्या बात है मालूम कर और इसका क्या कारण है ये बात का पता लगा। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दके के पास निकल गया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि मोर्दके के पास जाने का कारण यही है कि वो दुख में था, वो क्लेश में था, वो परेशानी में था। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भी परमेश्वर तक अपनी वाणी पहुंचाने के बाद आपके संसार में से ही आपके उन लोग आकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे जिनकी आप आशा भी नहीं करते होंगे। तो यहां हम 7 पद में आते हैं। मोर्दके ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हमान ने यहूदी का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, और यह भी ठीक ठीक बतला दिया है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि राजभवन का जो राजकोष है, जो खजाना है, वो कंगाली को दर्शाता है, जो एक हमान के द्वारा उसमें 10,000 की कार चांदी देने का वादा किया है, क्योंकि जब यहूदी मारे जाएंगे उनकी चांदी सोना सब राजकोष में पहुंचाया जाएगा, और उसने राजा को लालच भी दिया है कि 10,000 की कार चांदी वो राजकोष में जमा करेगा। सोचिएगा कितनी बड़ी पावर है हमान की, लेकिन घुटनों पर आने वाले की पावर क्या है यह हमान भी नहीं जानता है, और उसकी पत्नी, उसके लोग भी नहीं जानते हैं। और एक समय आएगा कि ये लोग कहेंगे कि तू उसका सामना नहीं कर सकता अगर वो यहूदी है। तो प्रियो, मैं आपसे आगे कहना चाहता हूँ, वचन में इस प्रकार से लिखा कि सब बातों को उसने पता किया है, और फिर यहूदियों का विनाश करने की बात की गई है कि मोर्द केस को हताक को बता रहा है। यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा सुसनगढ़ में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में दे दी। जो लेटर या चिट्ठी बनाई गई थी, जो एक नकल थी, वो नकल भी हताक के हाथ में मोर्दके ने दी, और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजे के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। कौन? एस्तेर रानी। क्या करे? विनती करे। कई बार जहां आप पहुंच सकते हैं वहां
आपको जाना होगा, पर वहाँ मनाही होगी कि आप वहाँ जा नहीं सकते और वहाँ आपको पहुँचना बहुत मुश्किल है और पहरे बिठाए गए हैं, जो जाएगा वो मारा जाएगा। इसलिए ऐसी आज्ञा में भी आपको परमेश्वर को मनाते हुए उस जगह पर पहुँचना होगा जहाँ आपको मौत भी मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। प्रियो, यहाँ इस प्रकार से तब हाताक ने अस्तेर के पास जाकर मोर्दकी की बातें कह सुनाई जो अस्तेर को बतानी थी। तब अस्तेर ने हाताक को मोर्दके से यह कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या क्या पुरुष क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको मार डालने की आज्ञा दी है। केवल उसकी और राजा जो राजा सोने का राजदंड बढ़ाएगा वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राज्य के पास नहीं पहुँचाई गई है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि रानी भी राजा के पास 30 दिन से नहीं गई हैं, और रानी अस्तेर ने इस प्रकार से मोर्दकै को कहला भेजा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं भीतर जाऊँ, और अगर कोई राजा की बिना आज्ञा के और बिना परमिशन के अंदर जाएगा तो मार डाला जाएगा। इधर यहूदी मारे जाएंगे, इधर कोई भी अचानक से राजा से मदद मांगने जाए वो मार दिया जाएगा। तो परिस्थिति को समझिएगा प्रिय, हालातों को समझिएगा कि किस तरीके से शैतान ने हामान के द्वारा, यहूदी लोगों के द्वारा, रानी अस्तेर के द्वारा के जीवन में या मोर्दकै के जीवन में, यहूदियों के जीवन में किस तरीके से ये परिस्थिति हालात पैदा कर दिए हैं, किस तरीके की परिस्थिति पैदा कर दी है। तो प्रियो, ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो जाती हैं शैतान और दुष्ट के ओर से। तो मैं ये कहूँगा प्रियो, ऐसी परिस्थिति में क्या आप चुप रहेंगे, क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे? तो इसलिए रानी अस्तेर ने भी इस प्रकार की बातें कही हैं, और अस्तेर की ये बातें मोर्दकै को भी सुनाई गई हैं, और मोर्दकै ने आगे क्या कहा है। तब मोर्दकै ने अस्तेर के पास से कहला भेजा, उसे कहलवाया गया, क्योंकि हाताक के द्वारा वो उधर से बात लेकर आया, और मोर्दकै की बात अस्तेर के पास, और अस्तेर की बात राजा के पास कैसे जाएगी, ये बड़ी मुश्किल बात है, यह कठिन बात है, या और ऐसे हालातों में क्या होगा प्रियो, इसमें सोचने की जरूरत है। तो आगे 13 पद हमें बताया जाता है कि तब मोर्दकै ने अस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। देखिए, अब मोर्दकै ने रानी अस्तेर को भी कहला भेज दिया है कि तू मन ही मन में ऐसा विचार मत कर कि मैं राजा की रानी हूँ, मुझसे वो प्यार करता है और मैं ही बची रहूंगी। प्रियो, ये कोई भी अपने आप को बचाने का कारण नहीं है कि आप ऐसा कर सके कि मैं बच जाऊंगा, बाकी लोग जाएं, कहीं भी जाएं, मरे जो मर्जी करे, ऐसा कुछ नहीं है प्रियो कि अगर आप यहूदी हैं तो आप मारे जाएंगे। इसलिए उसने कहा, तू मन ही मन में ऐसा विचार ना कर कि मैं बच जाऊंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रही तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिला हो। ये प्रियो बड़ा दिलचस्प पद है जो आपके लिए और हमारे लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय चुपचाप अगर तू रही, अस्तेर ने कहा, इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। तू चुप रहेगी कोई बात नहीं, इस समय तुझे चुप रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए सोच लीजिएगा, ये कहना चाहता है। अगर तू इस समय चुपचाप रहे तो याद रख, यहूदियों का छुटकारा और उद्धार किसी न किसी उपाय से हो जाएगा, क्योंकि हम सब प्रार्थना और उपवास और टाट पहनकर बैठे हुए हैं। परमेश्वर है जो सुन लेगा, परमेश्वर है जो दया करेगा और हमें छुटकारा दे देगा। इसलिए परंतु तू अपने पिता और अपने घराने समेत नष्ट हो जाएगी, राजा को रानी कोई और मिल जाएगी। राजा तो अधेड़ उम्र का है प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जवान कन्या है, ये इसे मना सकती है, लेकिन ये भी कैसे जाए, क्योंकि राजा ने हुक्म दिया कोई भी राजा के पास नहीं आ सकता जब तक उसको बुलाया ना जाए। तो यहाँ बड़ी सख्त आज्ञा है, यहाँ बड़ा कठिन बातें हैं, यहाँ दुख भरे शब्द हैं, यहाँ दुख भरे मैसेज हैं। ये सुसमाचार नहीं बल्कि दुख खबरी है, दुख का समाचार है कि कैसे, किस तरीके से बचाया जा सके, किस तरीके से राजा के पास जा सके,
जाया जा सके, किस तरीके से सब कुछ होगा, कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्रभु आपको कुछ समय के लिए सुनना चाहिए, जैसे कि अस्तेर सुनना चाहती है। और अस्तेर को सुनाया जा रहा है कि इस समय तो चुपचाप रही तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का उद्धार और छुटकारा हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे, उसे याद दिलाया जा रहा है अस्तेर रानी को, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिला हो। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा है कि अन्य जातियों को अपनी लड़की देना ठीक नहीं है, पर क्या जाने परमेश्वर ने तुझे इस पद के लिए चुना हो ऐसे कठिन समय के लिए, कि ऐसे कठिन समय में तू यहूदियों के उद्धार का कारण बने, तू यहूदियों के उद्धार को बचाए रखे, तू यहूदियों की जान को बचाने का कारण बने। ऐसे कठिन समय में के लिए परमेश्वर ने शायद आपको ये राजपथ दिया हो। प्रियो, राजपद मिलना, राजा की रानी बनना ये, और राजा के लिए खड़ा होना, ये सब आपकी कुवत नहीं है, आपकी अनुग्रह नहीं है, या आपकी सुंदरता नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक वरदान है। जैसे कि अस्तेर को अब बताया जा रहा है कि हो सकता है इसी कठिन समय के लिए राजपद तुझे मिला हो। कई बार हम नहीं समझते हैं अपने उस पद को, कई बार हम नहीं समझते हैं प्रार्थना के जीवन को, कई बार हम नहीं समझते हैं कि हमें मसीह जो मिला है शायद इसी कारण से कि हम औरों के लिए उद्धार का कारण बन सके, पर हम ऐसा करते नहीं हैं। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपके पास मौका है अपनी जिंदगी बचाने का, आज आपके पास समय है अपने आप को परमेश्वर के सामने लाने का। तो प्रियो, हमारे 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको उत्साहित किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि ऐसे कठिन समय में आप अपने जान पर खेलते हुए इस आज्ञा को राजा तक ले जाना चाहेंगे, इस समाचार को जो दुख का समाचार है राजा तक जाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। आज आपका राजा यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा है, आज उसके पास जाने की आपको जरूरत है। लोग, दुनिया के दारी के लोग आपको मना करेंगे, मार डालेंगे, उसका नाम लेने से ही आपको खत्म करने की कोशिश करेंगे, पर आपको ऐसे समय के लिए ही चुना गया है कि आप जाकर परमेश्वर के पुत्र यीशु से मदद मांगे, और परमेश्वर आपको यीशु के नाम में आपकी मदद करेगा, और आपको ऐसी कठिन और ऐसे बुरे हालातों से बाहर करके पार करेगा जहां आपकी इच्छा है और जहां परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, कि परमेश्वर की महिमा हो आपके द्वारा ऐसे कठिन समय के अंदर, कि आपका विश्वास डगमगाने ना पाए। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।